गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय चार प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय चार में है सारणिक डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स क्या होता है, आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स को रो और कॉलम में रखा गया है। डिटरमिनेंट क्या होता है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक संख्या होती है जो इसको हम डिटरमिनेंट आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें यहाँ ध्यान रखें कि वर्ग आप व्यू के ही सारणिक होते हैं और डिटरमिनेंट आप ए को खड़ी लाइन ए के बीच में ए को लिख करके लिखते हैं। एक कोटि के आप व्यू में यदि एक आप व्यू ए है, उसमें सिर्फ एक ही अवयव है ए, इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों एक है, तो इसके ए का सारणिक ए के बराबर परिभाषित किया जाता है। द्वितीय कोटि में जिसकी रो और कॉलम दो दो हैं, यदि इसका एक अवयव लिया जिसके अवयव हैं a11, a12, a21, a22, इसका डिटरमिनेंट हल करने के लिए a11 का a22 से मल्टीप्लाई किया माइनस a12 का a21 से मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व करने में जो संख्या आती है वो डिटरमिनेंट आप ए का मान होगा। अब हम एक उदाहरण लेके चलते हैं, इसको हल करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे और इसको हल करेंगे तो 8 जो है इसका आंसर होगा। अब हम 3x3 कोटि के आव्यूह का सारणिक देखते हैं। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इसको हल करना है तो इसके लिए हमको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगी। सबसे पहले यदि हमने जैसे r1 पहली रो है, इसके अवयव कौन कौन से, a11, a12, a13, तो पहला अवयव a11 लिया तो उसके जो पूरी रो है उसको और उसका कॉलम इससे रिलेटेड है उसको हटा देंगे तो जो हमको डिटरमिनेंट प्राप्त होता है वो a22, a23, a32, a33 और उसके साथ a11 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ इसकी जो -1 की पावर, इसकी जो सफिक्स है 1, उसको ऐड कर दिया और जो मान मिलेगा वो पहले चरण में हमको प्राप्त होता है। दूसरे चरण में अब हम दूसरा एलिमेंट लेके चलते हैं पहली रो का a12, उसके लिए भी प्रक्रिया अपना के यह मान प्राप्त करेंगे। तीसरे चरण में पहली रो का तीसरा अवयव a13, उसके सापेक्ष हम एलिमेंट प्राप्त करेंगे, मान प्राप्त करेंगे, ये उसका मान जो होगा -1 की पावर 1+3 a13, a21, a22, a31। चौथे चरण में इन तीनों मानों को हम योग कर देंगे और इसको अब हमने इसके पहले 2x2 में डिटरमिनेंट के मान हल करना बताया उसको यूज करते हुए हमने इसको आगे हल किया और हमको यह मान प्राप्त होता है। जब हम चारों चरणों को एक साथ प्रयोग कर लेंगे तब हम इसका मान प्राप्त कर पाएंगे। अब हमको अगले उदाहरण में यह सांडे को दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने किसी भी चाहे रो के अनुदेश या कॉलम के अनुदेश हम इसका प्रसारण करते हैं। तो इसमें चूंकि तीसरे कॉलम में 2 मान 0 हैं, इसलिए आसानी के तौर पर हम कॉलम C3 के अनुदेश इसका प्रसरण विस्तार करेंगे। तो देखते हैं कि तीसरे कॉलम का पहला अवयव 4 है, उसके सापेक्ष उसका रो और कॉलम के अवयव हटाने पर हमको डिटरमिनेंट जो प्राप्त होगा -1, 3, 4, 1। फिर इसके बाद तीसरे कॉलम का दूसरा अवयव है 0, उसके सापेक्ष प्रसारण करने पर हमको तीसरे कॉलम का दूसरा अवयव 0 के सापेक्ष रो को हटा देंगे और कॉलम को हटा देंगे, अवयव क्या बचेंगे 1, 2, 4, 1। तो इसका प्रसारण इस तरह से होगा और तीसरे कॉलम का तीसरा अवयव के सापेक्ष रो को हटाने पर और कॉलम हटाने पर हमको जो डिटरमिनेंट प्राप्त होता है 1, 2, -1, 3 और इसको हल करने पर हमको इसका मान -52 प्राप्त होता है। अब हमको इसी प्रकार से एग्जाम्पल है, इसमें 3x3 का डिटरमिनेंट दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यही प्रक्रिया को अपनाते हुए हम इसमें रो पहली रो को लेकर चल रहे हैं। तो पहली रो का
पहला अवयव लिया और उसको उसके रो के अवयव रो और कॉलम को हटाने पर हमको इसका प्रसरण प्राप्त किया है।